हमारी पार्टी पे बहुत मुश्किल वक्त आ गया था, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन साहब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत पे जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत पे जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, ये आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट, ये जन्नती है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों? कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्कों को आपकी खातिर जा रहा हूं, मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच गया, पूरी दयानतदारी से समझ, पूरी दयानतदारी से समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क्यादत से बेहतर क्यादत नहीं है। मैं खुशामदी नहीं कहूं, ये फरिश्ते हैं, ये फला है। मैंने शहबाज शरीफ को 2018 में कहा, मैं बहुत नाराज था अपनी जमात से।